हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का खास मकसद इसलिए है, मुझे बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि हम किसी बॉटल में कोई भी लेबल कैसे लगाते हैं, वो भी फोटोशॉप में। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज हम इस वीडियो में बॉटल के ऊपर या किसी कंटेनर के ऊपर या बॉक्स के ऊपर लेबलिंग कैसे करते हैं, उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर हमें किसी को सैंपल देना होता है कि हमारी बॉटल बनने के बाद कैसी दिखेगी, तो हम क्या करते हैं कि हमें ओरिजिनल बोतल के ऊपर पेस्टिंग करके उसे सैंपल दिखाना पड़ता है। बट हम फोटोशॉप की हेल्प से ये चीज़ बहुत आसानी से उसे दिखा सकते हैं कि आपकी आफ्टर लेबलिंग ये कैसे दिखेगी बोतल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी स्टेप छूट गया तो आपसे ये लेबल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें है ये बहुत छोटी सी और इजी ट्रिक, बट अगर सेटिंग नहीं होगी तो ये साफ पता लगेगा कि इसके बोतल के ऊपर लेबल को चिपकाया गया है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। ये मैंने फोटोशॉप ओपन कर ली। अब हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। तो आपको पता ही है कि किसी भी ब्लैंक एरिया पे डबल क्लिक कर दो, या फाइल पे जाके ओपन, या कंट्रोल ओ, जो आपको सफिशिएंट लगे। तो ये मैंने सैंपल्स रखे हुए हैं, तो अभी मैं आपको ये सैंपल ओपन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास दो सैंपल हैं, जो मैंने बना के दिखाया हुआ पहले से। एक वो सैंपल है, आप ये देख रहे हैं, और ये एक ब्लैंक बॉटल है जिस पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, क्योंकि मैं आपको दो सैंपल बना के दिखाऊंगा अलग अलग तरीके, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सेटिंग पूरी है, प्रॉपरली बॉटल कवर है, तो मुझे अब क्या करना है, एक मास्टर कॉपी चाहिए। तो मेरे पास पहले से ये रखी हुई है ओपन, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक ये मास्टर कॉपी आ गई है। ये मेरे पास पहले से बना हुआ लेबल है, फुल लेबल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो लेबल होते हैं ये कंप्लीट होते हैं, यानी आगे से पीछे तक का पूरा कवर अप होता है। तो हमें हाफ लगाना होता है, जो फ्रंट पे आपको दिखेगा ना वो हाफ दिखेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मार्क्यू टूल लेना है, शॉर्टकट इसकी एम होती है, और अगर आपको इसको चेंज करना है तो शिफ्ट एम होता है। तो आपने मार्क्यू टूल ले लिया, मार्क्यू रेक्टम। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने इस बॉक्स पे आ जाना है, यहाँ पे यानी जो फुल लेबल है इसमें से आपको जितना एरिया फ्रंट में दिखाना है उतना आप सिलेक्ट कर लो, फिर वी, ये वी प्रेस कर दो, या मूव टूल ले लो, आपकी अपनी चॉइस है। आपने इसको उठा के ऐसे माउस का क्लिक करके रखना है, तभी मूव करेगा ये। ओके, ये आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस लेबल को मुझे सेट करना है, तो F प्रेस करके आप फुल स्क्रीन कर लो, कंट्रोल टी, इससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ट्रांसफॉर्मेशन टूल वर्किंग करने लग जाएगा। अब आपने इस रैपर को उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है, बॉटल के अकॉर्डिंग। आपने यहाँ पे इसे रख लिया, ध्यान से प्रॉपरली सेटिंग, यानी बराबर होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, एडिट में जाना है आपने, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर रैप, याद रखना फ्रेंड्स, रैप। अब आप क्या करोगे, यहाँ से सेंटर से इसे उठाओगे ऐसे, अगर आपको पूरा कवर करना है तो यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा नीचे कर, ये जो राउंड शेप बननी चाहिए प्रॉपरली बराबर, तो इसलिए इसको उठा के आप इसे ऊपर यहाँ पे रखोगे, सेम एज इट इज यहाँ से भी, और इसको नीचे से भी, और इधर से भी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है कि अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपने नीचे की जो गोलाई है बिल्कुल बराबर रखनी है। आपको यहाँ पे डॉट्स नजर आ रहे हैं, अब आप इन डॉट्स को उठा के इसे ऐसे सेटिंग कर लो, सेम ऐसे यहाँ पे भी, फिर ये जो डॉट्स हैं इनसे थोड़ा सा इसे अंदर को कर दो हल्का सा, ताकि ये स्ट्रेट लगे, एज इट इज इधर से भी, यहाँ से भी। अब ऊपर का हिस्सा
ये वाली डॉट्स उठा के आपको थोड़ा सा नीचे इधर को करना है हल्का सा, और थोड़ा सा इधर से। तो आप देख रहे हो ये सेट हो गया, एंटर प्रेस कर दो, आप देख रहे हो कि लेबल सेट हो गया है। तो ये प्रॉपरली सेट हो गया। अगर आपको हाफ सेट करना हो तो कैसे करते हैं, अब आप देख सकते हो ये मैंने उधर फुल किया था, ये थोड़ा सा मैंने हाफ। अगर आपको लगता है आप दोबारा से फिर कंट्रोल टी करके सेम कमांड अप्लाई कर सकते हो, एडिट ट्रांसफॉर्मेशन रैप, यानी ये नहीं कि आप एक बार ही बना लो तो दोबारा से नहीं कर सकते, आप इसे दोबारा से फिर वैसे सेट कर सकते हो, यानी एनी टाइम आप दोबारा से कमांडें अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में एंटर प्रेस कर। अब मैं आपको एक और रेडी करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक बॉटल और है, मैंने एक और सैंपल ओपन किया, आप ये देख रहे हो मेरे पास एक सैंपल और है, ये कंप्लीट सैंपल है मेरा, आप इसे देख रहे हो। अब हमें इसे सेट करना है, तो सेम वैसे ही जो मैंने पहले बताया, एम्प्रेस कर दो, यानी मार्केट टूल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, जितना आपको एरिया चाहिए उतना एरिया आप सिलेक्ट कर लो। अब आपने क्या करना है, सिलेक्शन के बाद वी प्रेस करके मूव टूल लेके इसे अपनी बॉटल पे सेट कर देना। अब आपको क्या करना है, अगेन वही कंट्रोल टी प्रेस करना है, और फिर वैसे मैं अब इसको हाफ लेबल सेट करूंगा, यानी पूरा प्रॉपरली नहीं, मान लो लेबल मुझे हाफ बॉटल पे चाहिए तो आपने हाफ बना के रखना है। फिर एडिट ट्रांसफॉर्मेशन रैप, यहाँ पे आपने इसको नीचे करना है और इधर से आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था। अब इसको थोड़ा सा नीचे और इधर से ऊपर, याद रखना ज्यादा भी नहीं खींचना है, क्योंकि नहीं तो आपकी जो बॉटल है वो बेकार लगने लग जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे से कर्व होना चाहिए, और यहाँ से आप सेटिंग कर लो जैसा आपको अच्छा लगता है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे मर्जी सेट नीचे करना चाहते हैं ऊपर करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिए, हम उसका सलूशन आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।